जय हो वैकुंठ पर देवी देवता प्रभु जाने अनजाने में गलती होगी क्षमा करना क्षमा करना। रोग दोष शोक को मेरे परिवार से दूर रखना अपने कृपा दृष्टि शुभ दृष्टि सदा बनाए रखना। जय हो मेरे बाबा जी महाराज जय वैकुंठ पर देवी देवता। ये मेरे दास है समझ कर मेरे अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करना। परमेश्वरी में आह्वान जनता विसर्जन करना जानता पूजा करने क्षमा करो देवी सुरेश्वरी जो मन मंत्रहीन क्रियाहीन भक्ति पूजन किया है वैसा तो आपकी दया का पात्र हूँ जैसा चाहो देवी परमेश्वरी अज्ञान से भूल से बुद्धि भ्रांत होने कारण जो मैंने नियुक्ता जिता कर दी क्षमा करे सचिदन स्वरूप जगत माता कामेश्वरी प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करें मुझ पर मेरे बच्चों पर मेरे पति पर प्रसन्न रहे मेरे घर पर मस्त और मेरी जोड़ी बनाए रखे भगवान सुख सौभाग्यवती अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देना दिनों के नाथ हरी दिनों के नाथ हरी। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन नमस्कार जी कैसे हो आप सब सब बढ़िया है जी सब बढ़िया हो ना। हाँ जी हाँ जी बढ़िया ही रहना। और देखिए मैं कौशिक जी को लेके आ गई हूँ साथ आज तो इन्हें आना ही था आज तो आना ही था मेरे को ये मुझे लाए थे मेरी मम्मी घर से आज के दिन। हाँ आज के दिन हमारी शादी हुई थी। हाँ तो आज के दिन तो इन्हें मुझे लाया था साथ में अपने है ना। और देखिए मैं लेके आ गई हूँ और आज हमारी शादी की सालगिरह है 14 फरवरी क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी ना तब ये 14 फरवरी नहीं मनाया जाता था। नहीं मनाया जाता था उस समय और नॉर्मल ऐसे ही जैसे मैं निकलवाई शादी पंडित जी से उन्होंने 14 फरवरी की शादी निकाल दी तो हो गई शादी। और आज यही 14 फरवरी देखिए आप कितना बड़ा त्योहार त्योहारी हो गया ये त्योहार। हाँ एक तरह का त्योहार पहले विदेशों में मनाया जाता था अभी इंडिया में भी मनाया जाता है। और बहुत सब लोग मतलब हमें इस त्योहार को विश कर रहे हैं मुबारकबाद दे रहे हैं पूरा वर्ल्ड हमें मुबारकबाद दे रहा है। जिनकी 14 फरवरी की शादी की सालगिरह है उन लोगों के लिए मेरी तरफ से हैप्पी हैप्पी शुभकामनाएं ठीक है शुभकामनाएं आप सबके लिए भगवान सबको सबके उसको ये दिन बनाए रखे हर साल आपका ये दिन अच्छा अच्छा आए और आपका आप और आपका हस्बैंड की जोड़ी बनी रहे। क्योंकि मुझ पर ना ज्यादा डायलॉग बनाने नहीं आते बोलने नहीं आते तो जैसे मैं मेरे को बात आती है मन में वही मैं कह देती हूँ ठीक है। और अब हम पैसा से पहले काटेंगे हम करेंगे ये एक अब छोटा सा सेलिब्रेशन है छोटा सा क्योंकि ये पता है ना आंटी अंकल ज्यादा नहीं कर पाते हैं तो ये एक छोटा सा केक है ये हम आप काटेंगे और आपको खिलाएंगे तो पहले सबसे पहले आप लोगों का मुंह मीठा करवाएंगे। इस टाइम गर्मी है तो एसी चल रहा है पहले मैं कैंडल जला देती हूँ ये देखिए ये कैंडल जल गई। ये हैप्पी एनिवर्सरी हमारी हम लोगों की और आप लोग हमें हम विश कीजिए आंटी अंकल को और है ठीक है। और अभी हम केक काटेंगे और मैं ये पहले मैं ही बुझा देती हूँ चलो इसको। ये मेरे दीपा ने केक भेजा है देखिए मम्मी पापा एनिवर्सरी स्पेशल दीपा के यहाँ से केक आया है। चलिए देखिए बच्चे भी इतना प्यार करते हैं। चलिए अब हम केक काट लेते हैं। कौशिक जी मारिए हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी अपने आप को टू मी हम दोनों अपने आप को ही कर रहे हैं ठीक है। और आप लोग भी हमें विश कीजिए और हम काटेंगे अब पहले केक और फिर आपको खिलाते हैं। तो काटो ये काट दिया केक निकाल लो यहाँ गर्मी है बहुत गर्मी है यहाँ पे इतना से केक काटा है निकाल लो खिलाओ केक खिलाओ आप तुम खिलाओ जी। ये आप लोगों के लिए केक है सबसे पहले आप लोग खा लीजिए ठीक है हमारी शादी के साथ रहते जी। और आप सब लोग विश करिए जी ठीक है। चलिए फिर ये केक आप सब लोगों के लिए है आप सब लोग खा लीजिए ठीक है उसके बाद ही मैं कोशिश जी खिलाऊंगी ठीक है। चलिए मुंह मीठा हो गया है सबका अब मैं कोशिश जी को खिला देती हूँ दिखाओ ना पहले मैं कोशिश जी खिलाऊंगी और ये सारा खिला दिया मैंने कोशिश खिला दिया है मैंने अब मैं तुम भी खाओ काटो काटो मेरे पर कपड़े मत डला दियो लो अब मैं इनको खिलाता हूँ केक भाई इतना साथ दिया है इन्होंने लो अब ऐसे देते रहेंगे भगवान आप लोगों की वो होना चाहिए आशीर्वाद ऐसे साथ बना रहे बस लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता कोई बात नहीं है। चलिए हमने केक खा लिया है हम आपसे बात कर लेते थोड़े से
फरवरी महीना हमारे लिए बहुत बहुत वो है महत्वपूर्ण। अब हमने आप लोगों का मुंह मीठा करा दिया है और हमने भी कर लिया है अपना भी, तो आज हम थोड़ी सी मन की बात करेंगे कौशिक जी के साथ में। करिए कौशिक जी, बात कीजिए। बस क्या, ये फरवरी का महीना हमारे लिए एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि हमारे परिवार में फरवरी में काफी कुछ हुआ। सबसे पहले हमारी शादी हुई फरवरी में, फिर शिवानी का जन्म हुआ, फिर शिवानी की शादी भी फरवरी में हुई, तो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है फरवरी का महीना। और वैसे भी सब अच्छी तरह से मनाया जाता है फरवरी का महीना, शुभ महीना 14 फरवरी, वैसे ही पूरा वर्ल्ड मनाता है, वर्ल्ड मनाता है, तो हम उस खुशी के वो हैं, हकदार बन चुके हैं हमारा भी मतलब ये खुशी हमारे लिए भी काफी मायने रखती है और हम लोगों के लिए भी अप्लीकेबल है ये खुशी। पहले हम करते थे शादी के सालगिरह, ऐसा इतना ज्यादा नहीं करते थे, लेकिन अब जब देखा है कि भाई ये तो बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस टाइम देखो न्यूली कपल होते हैं, जो वो देखो आप, ये वो दूसरे वाले हैं वो देखो आप, कितनी उससे मनाते हैं। उन्हीं बच्चों को देख देख के हम लोगों को भी थोड़ा सा वो मिल गया, चलो हम भी मना लेते हैं। हमारे पास तो है एक चीज कि हमारी शादी हुई है, उसकी तो हमारे पास वजह है ना, शादी हुई है वजह है मनाने की, मना लेते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर है कनिका मनचंदा, उनकी भी शादी की सालगिरह है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बेटा आप सबको, ठीक है, आपको आपके हस्बैंड को, ठीक है। भगवान आपको लंबी लंबी आयु दे, मेरा कौशिक जी का आशीर्वाद आप दोनों के पर सदा बना रहे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और देखिए कहते हैं ना, बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं, बहुत से बड़े गिफ्ट ला के देते हैं शादी के साल में कुछ पे। मुझे क्या दिया है कौशिक जी ने पूछो, बताओ मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं बता देती हूँ। देखिए ये मुझे कौशिक जी ने दिया है, जो मैंने डाला हुआ है, ये कौशिक जी ने मुझे दिया है, आज मैंने ये डाल लिया है, अभी ये परसों ही आया है और आज इन्होंने पहना है। और तो हम लोग यहाँ पे मद्रास में क्या खरीदे, नहीं खरीदा। क्या है कि यहाँ पे हम ना लैंग्वेज जानते हैं और हिंदी भाषी सुन के ये लोग पक्का ये ओने कोने दाम में रेट बोलते हैं ये लोग। और ये मैंने ये उससे मंगवाया है, ऑनलाइन मंगाया, मिंत्रा से मंगाया है। और ये देखिए काफी सुंदर है, ये लॉन्ग कुर्ता आ रहा है जो आजकल बड़ा वाला, वो है ये, और काफी अच्छा है। मेरा आज तक कभी कोई साइज फिट नहीं आया था, कभी कोई फिट नहीं आया था साइज, और ये मुझे आ गया है। तो मैं इसको भी सोच रही थी, कॉस्टली जैसे काफी कॉस्टली है वैसे ये, तो मैं कह रही थी कि इतनी कॉस्टली नहीं, मैं साड़ी ले लेती हूँ इसके बदले में। तो ये कह रहे थे कोई तो ऐसा कुर्ता आया है, पहली बार आया जो इनका फिटिंग का आया है, नहीं तो कोई छोटा कोई बड़ा कोई ऐसा आता था, तो ये फर्स्ट टाइम है जो इनके लिए ये बहुत अच्छा आया है। तो ये बोल रही थी मैं तो रिटर्न करूंगी ये करूंगी, तो मैंने बोला नहीं, फर्स्ट टाइम आया है जो मतलब बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो रिटर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कौशिक जी ने मुझे ये गिफ्ट दिया, इसके लिए कौशिक जी आपको थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू कर दिया है मैंने, क्योंकि भाई इतने भाई जब चीज अच्छा 1 रुपए की चीज मिलती है ना, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहिए आपको, आप किसी कोई भी देता है तो आपको, ठीक है। तो इसलिए मुझे कौशिक जी ने दिया है ये गाउन, मैं वापस नहीं करा मैंने, चलो मैंने की ये उन्होंने बहुत इच्छा है कि ये आ रहा है फिट, तो इसे ले लो, तो मैंने अभी रख लिया है। बाकी तो कौशिक जी ये नहीं है कि वे सामान दिला रहे हैं, साड़ी वाड़ी तो ये खूब मंगाती हैं साड़ी। अभी आप कहोगे कि आंटी, आप वैसे कोई पूछ रहा था कि आंटी ब्लाउज कहाँ से लेते हो, पूछ रहे थे ना कि रेडीमेड आंटी ब्लाउज कहाँ से लेते हो। बेटा अभी अमेजोन पे आ रहा है, ब्लाउज आ रहे हैं, तो 46 नंबर तक आ चुका है, तो मैंने 46 नंबर के 8 ब्लाउज लिए हैं रेडीमेड, 8 ब्लाउज स्ट्रेचेबल है, तो वो ब्लाउज मैंने ले लिए हैं, और जब आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये है ना कभी जैसे साड़ी का ब्लाउज तैयार नहीं है, साड़ी हमारे पास है और मन है पहनने का, तो फटाफट ब्लाउज निकालो और पहनो। थोक में ये खरीदती है और पहनती है नहीं, फिर बिल्कुल नहीं पहनती, पहनो भाई अब ये है ना, इन्होंने इतनी साड़ियां खरीदी हैं, इतनी साड़ी खरीदी है, इतने ब्लाउज खरीदे हैं, इतने वो खरीदे हैं, बताओ एक भी साड़ी पहननी है, बिल्कुल नहीं पहनती। अब ये बताओ आप, मैं यहाँ साड़ी पहन के कहाँ जाऊँ, तो मत खरीदो, जहाँ जाके पहन लिया वहां जाके खरीदना, तो वो फिर एकदम इकट्ठा पैसा कहाँ से लेकर आऊंगी मैं खरीदने के लिए, इसीलिए वो साड़ी मैंने पहले खरीद ली है। अब ब्लाउज रहेगा, साड़ी मैं बता रही हूँ यहाँ पे, मैं साड़ी मैंने बहुत कम रखी हुई है, घर जाऊंगी तब मैं दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना सूट का पहनावा नहीं है, तो लोग सूट पहनने लगे हैं, बाकी हमारे पंडितों में ना सूट का पहनावा नहीं है, साड़ी का पहनावा है, तो साड़ी पहनते हैं, तो शादी में भी साड़ी चढ़ी है, मायके से भी ससुराल से भी खरीदी भी साड़ी गई है, हम लोगों ने जो खरीदी है साड़ी, अब भी जो माँ देगी वो साड़ी देती है, लेने देने में कोई कहीं पे कोई शादी है कोई ब्याह है, सूट नहीं चलते हैं, साड़ी दी जाती है,
तो वो साड़ियों का ठोक जमा हुआ है मेरे पास वहां पे। अभी शिवा कह रही थी मम्मी मुझे दे देना उसमें से बहुत सारी साड़ी, मैंने के लिए जा बेटा, मैंने क्या करना है इतनी साड़ियों का ढेर है। मतलब आप कहोगे आंटी दुकान लगा लो, दुकान लायक नहीं है लेकिन हाँ काफी साड़ी है, मतलब थोड़ी साड़ी है, बहुत सारी है। और अगर रोज बदल बदल के या वैसे दो चार दिन में पहनने, जैसे फंक्शन में कहीं जाना है तो बदल बदल के पहने तो बहुत साड़ियां हैं, लेकिन पहनती नहीं है। अब पहनूंगी ना, खरीदने का शौक है पर पहनने का नहीं। बस वही होता है ना बहुतों को, क्या है ना अब ये कहोगे आंटी आप पहनती तो कुछ भी नहीं हो, आप ऐसी घूमती रहती हो। पहनने का बेटा बहुतों को होता है कि पहनने का शौक है। आज मैं अपने घर में यही तो बात कर रही थी, अभी हमारी वीडियो कॉलिंग चल रही थी तीनों बहनों की और माँ की और भतीजी थी साथ में, तो हमारी बात हो रही थी तो मैं यही कह रही थी। बहन कहीं जा रही थी गीतों में तो मैं उससे कह रही थी बब्बल बहुत सुंदर लग रही है, बहन है प्यार में उसे बब्बल कहते हैं, तो मैं उससे कह रही बब्बल सबसे बड़ी बहन है हमारी, वो बहुत प्यारी लग रही है बहुत। जब घर में रहेंगे तो हम ऐसे रहेंगे जैसे कोई मतलब ही नहीं है, अरे क्या करना क्या बिंदी लगानी है क्या चुटिया करनी है, अरे आराम से बैठे टाइम पास कर रहे। वो लूडो खेलती है बहुत जोर से बड़ी वाली, और बीच वाली है वो लंदन है बहन, वो जॉब करती है वहां पे, तो जब जॉब करेगी जब तक तो फिट फाट रहेगी, जाएगी अपने घर तक आएगी, उसके बाद वो हमारी तरह हो जाएगी, फिर वो ऐसी है। तो आज हम तीनों बहन बैठे हुए थे नॉर्मल जैसे रहते हैं, जैसे नॉर्मल आदमी रहता है बंदा, ऐसे हम इतने बड़े बड़े घरों के तो है नहीं कि अंबानी की बीबी है कि बड़े सरदर्ज करेंगे, वो चीज नहीं है। तो हम तीनों बहन तो मैं यही कह रही थी, मैंने कहा सब कुछ होते हो रहते, शौक नहीं है तीनों को किसी चीज का भी, ना बीच वाली बहन को ना मेरे से बड़ी वाली को ना मुझे है। मैंने कहा हाँ पर हम जब बाहर निकलते हैं ना तब हम उसी को ये मौका नहीं देते कहने का कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ मिलेगा सब कुछ। मैं कोशिश फिर भी कहते रहेंगे। अभी मैंने सारी शॉपिंग कर लिया, आप बताऊं मैंने, हमारे घर में शादी है बताया था पहले भी, तो मैंने शॉपिंग कर ली है पूरी, लेकिन कौशिक जी ने अपना ना तो कोई पैंट कमीज बनवाई है कपड़ा ले खरीद के, ना तो वो सिलाई के लिए डाला है ना ही ऑनलाइन परचेज करा है। अब मैं इनसे ये कह रही हूँ, देखो अब आप बताना एक सुखगढ़ गृहिणी की एक, तो मैं इनसे ये कह रही हूँ दो शर्ट और दो पैंट रेडीमेड में ना, मुझे पता है इनका साइज क्या है, साइज इनका क्या है तो मुझे पता, मैं ले लेती हूँ, मैं स्टिच करा के पहनता हूँ मैं ये रेडीमेड और ये। अब ये अब मैं लेके रख लूंगी ठीक है, अब ये पहनना ना पहनना इनकी मर्जी है, और मुझे पता है एंड टाइम पे ये वही कपड़े पहनेंगे। अभी आपको पता है 1700 की शर्ट थी, 1799 की शर्ट थी, 350-400 की थी हैं, दो शर्ट मैंने थी सुंदर मंगाई, इससे पहले जो सेल लगी थी दो शर्ट मैंने मंगवाई, हाफ बाजू की दो शर्ट मैंने इनके लिए मंगाई। हाफ बाजू की शर्ट नहीं पहनता मैं ठीक है, मैंने मंगवा लिया हाफ बाजू की शर्ट में मेरी ये क्योंकि अब कौशिक जी की भुजा दिखती है तो बेटा भी है ना अंकुर भी है ना साथ में, तो दो शर्ट मैंने इतनी सुंदर सुंदर मंगाई मैंने, और जैसे ही घर में आई है कौशिक जी का मुंह बन गया, कह रहे कि पैसा वेस्ट करने का पड़ रहा है, पैसा ब्लॉक करना, मुझे तो पहनना नहीं है। फिर मैंने दीपा से बात करी क्योंकि दीपा मैं और दीपा की राय एक ही होती है, मैंने दीपा से कही दीपा शर्ट आगे बहुत सुंदर है बेटा, कपड़ा भी अच्छा है, तो कह रही मम्मी वापस मत करो, तो मैं बोली पैसा तो पापा ने दिए है, ये कह रहे वापस करो, मैं कह रही मैं अंकुर को दे दूंगी, भाई अंकुर को भाई जैसे अंकुर में वहां ना खरीद पाया या कोई यहाँ पर आया है तो उसके लिए दे देती हूँ शर्ट। लेकिन कौशिक जी ने जब तक वो वापस नहीं करवाई शर्ट तब तक कौशिक चैन से नहीं बैठे, बताओ उसमें 700-800 रुपए में क्या जाता है, नंबर ही नहीं आता शर्ट पहनने का, इतनी शर्ट रखी है। लेकिन मुझे ना कौशिक के कपड़े अब समझ नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमें 4 साल हो गए, मैं 4 साल पहले मैंने जो कपड़े बनवाए 4 साल पहले मैं लाई थी बनवा के, 4 साल हो गए उन बातों को, तो 4 साल से वो लगातार पहन रहे हैं, मतलब चाहे हो सके 15-20 जोड़ी हो लेकिन 4 साल से चल रहे हैं ना, वो रिपीट तो हो रहे हैं ना कपड़े, तो अब वो वैसे हो गए कि जैसे भाई वैसे नहीं जैसे किसी फंक्शन में पहनने लायक है। तो आप भी बताइए, मैं सुंदर साड़ी पहन के सुंदर सी मेकअप करवा के तैयार होकर जाऊंगी कहीं, और कौशिक जी वो कपड़े पहन के जाएंगे तो लोग मुझे जलील करेंगे या नहीं करेंगे, हम नहीं करते मेकअप पे ना, ये बताइए लोग मुझे जलील करेंगे या नहीं करेंगे, और कोई नहीं बाहर गई कोई कह दे, मेरी बहन ही कह दे इस बात को मम्मू तूने तो बहुत सुंदर साड़ी पहन रखी है, महेंद्र जी के कपड़े क्यों दिलवाए तूने, यही कहेगी ना, कह सकते हैं लेडीज के कपड़े देखते हैं फंक्शन में, आदमियों के कोई नहीं देखता, ऐसा कुछ नहीं, कपड़े सब देखे जाते हैं, सब देखते हैं उस टाइम फंक्शन में, भाई आदमी के कपड़े स्मार्ट होना चाहिए, मैं वैसे ही ऐसा कुछ नहीं है और क्या, स्मार्ट आदमी नंगा चला जाए फिर तो नंगा नहीं जाता, कपड़े पहन के जाऊंगा वैसे ही स्मार्ट हूँ मैं तो, लो अब अपने मियां मिट्ठू बनना वो अपने मियां मिट्ठू क्या और क्या, मैं तो वैसे ही स्मार्ट लगता हूँ तो मेरे को कपड़े ज्यादा, चलिए ये टॉपिक में हम बहसबाजी नहीं करेंगे, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ कौशिक से, लड़ाई नहीं करी कौशिक से, इनसे मैं कोई लड़ाई करूंगी बताओ, नहीं 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 है? आज तो वैसे भी 14 फरवरी है तो बिल्कुल नहीं लड़ेंगी मतलब वैसे भी नहीं लड़ती आज मैं, अब हमारे जैसे आप मैं आपसे बात कर रही हूँ ना ऐसी किसी बात पर छोटी सी बात पर, अब जैसे कपड़े मंगाने पर मैं आज से
जब मैं साड़ी खरीदी ब्लाउज खरीदी मैं खरीदते जा रही हूँ, लेकिन मैं इनसे जब सतीपा की साड़ी खरीदी है मैंने जब से मैं इनसे कहती आ रही हूँ कौशिक जी कपड़े ले लू कौशिक जी कपड़े ले लू, नहीं मुझे नहीं पहना। शिवा टेक्सटाइल चल रही है, एक वो है टेक्सटाइल वो कंपनी है छोटा सा शोरूम टाइप है, जितना टाल सके उतना टाल लो। चलेंगे आज चलेंगे कल चलेंगे परसों चलेंगे, ऐसे करते करते एक डेढ़ महीना इन्होंने निकाल दिया है, टालते टालते एक महीना निकल गया। और हमें यहाँ टेलर की दुकान नहीं पता है कि भाई टेलर की दुकान है कहाँ, भाई हम कपड़ा भी ले भी आते हैं खरीद के तो टेलर की दुकान, अब वो दुकान ढूंढेंगे इतने तक शादी भी पार हो जाएगी क्या करोगे कपड़े को बताओ। तो इससे अच्छा है मैंने सोचा दो पैंट और दो कमीज में रेडीमेड मंगा लेती हूँ, और तो बस कपड़े पड़े हैं उसी टाइम पे थोड़ा फंक्शन के टाइम पे थोड़ा अच्छा होना चाहिए तो मैं दिलवा दूंगी। और नया दीपा खूब परचेज कर रहे हैं, खूब मेकअप का सामान कॉस्मेटिक जो सामान आ रहा वो खूब वापिस भी खूब कर रहे हैं, खूब खरीद रहे खूब वापिस कर रहे हैं। हम तो यही करते जो अच्छा लगा वो रखा। अभी तो मैंने 8 ब्लाउज मंगवाए हैं, वो अच्छे ही आएंगे, मेरे साइज आ जाएगा आएगा मुझे पता है आएगा। मैं थोड़ा मेरा साइज का फर्क थोड़ा कमर से नहीं पता फर्क पड़ता है, मेरा साइज का फर्क एक जगह से पता रखता है आपको पता तो है, बस वहीं पे आकर मुझे दिक्कत होती है इसलिए मैं रेडीमेड ब्लाउज डालती हूँ। अब घर जाऊं घर जाकर नहीं सिला मेरा ब्लाउज साड़ी का, और साड़ी मैंने बहुत सुंदर सुंदर लिए है, कभी एक साड़ी ली है मैंने देखिए दिखाई दे रहा है थोड़ा हाथ बढ़ाई हाथ करिए ये देखिए ये इसका नीचे का बॉर्डर है साड़ी का, ये एम्ब्रॉयडरी है यहाँ तक है कढ़ाई इसकी और गोल्डन उसमें कढ़ाई है ये, और ये साड़ी देखिए और ये इसका पल्ला है, ये इसका पल्ला है साड़ी का, ये वाला ये पल्ला है साड़ी का ये वाला देखिए अच्छी साड़ी है काफी, ये कौशिक जी की पसंद की साड़ी है, ये इसमें कलर शायद ठीक से नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर कलर है डार्क पिंक कलर है ये ब्लाउज बहुत सुंदर है इसका, ये ब्लाउज मैं देखिए नेट है नेट की बाजू होंगी इसमें, ये देखिए ये इसकी नेट की बाजू है दोनों तरफ फूल है ये देखो नेट की बाजू है, और ये देखिए आप ये इसका गला है ये इसी पे गला बनेगा, ये इसका गला है साड़ी का, और ये देखिए कुल मिलाकर साड़ी बहुत सुंदर है, ये देखिए साड़ी आप देख लीजिए मैंने खोल दिया वैसे इसके तहे पसंद आनी चाहिए, रेट वेट का कोई वो रेट का कुछ वो नहीं है, ये कौशिक जी पसंद की है और इन्होंने मुझे ये शादी के लिए साड़ी दिलवाई है। साड़ी मेरे पास बहुत है आप कहोगे कि साड़ी बहुत है नए लेने की इच्छा क्यों हो रही है, ये साड़ी देखिए कितनी सुंदर साड़ी है देखिए मुझे बहुत प्यारी लगी है, ये पीच कलर में है ऑरेंज ऑरेंज भी है इसमें आपको ना कलर लाइट दिख रहा है थोड़ा डार्क है बताइए, और पल्ला बहुत सुंदर है इसका पल्ला बहुत प्यारा है भारी है हैवी साड़ी है ठीक है, बताना कैसी साड़ी लगी आपको ये साड़ी अच्छी, और ये कौशिक जी की पसंद की साड़ी है, मैं तो इसे ना रिटर्न करने के चक्कर में डोली थी, ये मैंने मिंत्रा से मंगाई है साड़ी ये वाली भी आज स्पेशल यही है, ये भी चाहे आप मैरिज एनिवर्सरी की लगा लो साड़ी भी, ये भी साड़ी अभी आई है पर मैंने साड़ी अभी पहन के नहीं दिखाई है तो मैं इसे मैरिज एनिवर्सरी के लिए नहीं दिखाती, मैं छोटी छोटी चीजों को ना रखती नहीं बीच में, तो मैंने जो पहना है वो ही दिखाऊंगी, और गोल्ड मुझे यहाँ से ना तो कौशिक जी मैं कहूँ कौशिक जी मुझे गोल्ड ला के दो ना तो ये खरीद के देंगे, कह के भी देखूंगी तो बेइज्जती हो जाएगी ना तो मैं कहूंगी ना ये ला के देंगे क्योंकि इस टाइम पे ना और यहाँ का गोल्ड वैसे भी लाल आता है दूसरा वाला गोल्ड यहाँ के गोल्ड में और हमारे वाले गोल्ड में थोड़ा अंतर आता है। हाँ बस और अब देखिए ये वीडियो है छोटी सी ये उसकी है छोटा छोटा सा सेलिब्रेशन करा मैंने और कौशिक जी ने ठीक है उसकी वीडियो है और हमारी आज शादी की सालगिरह है बताऊंगी नहीं कौन सी है पूछने भी मत ठीक है, तो आज हमारी शादी की सालगिरह है आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए हम जो बड़े हैं हमारे बच्चे हैं दुआएं करें बस दुआ करें ठीक है धन्यवाद। कौशिक जी कहते हैं तुम्हारा ना एक वो है पेट वो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बार बार रिपीट करें तो मन की वो मुंह में कई बार क्या जीव पड़ जाता है ठीक है देखिए फिर बोल दिया मैंने। अगर आपको ना ये छोटी सी हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना कमेंट करना बेल आइकॉन से प्रेस करना जो भी कोई नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ठीक है फिर बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं आदत में वो हो गया मुझे सुमार हो गया सुमार है आदत में देख कौशिक कैसे बैठे आज देखो यही आई आज तो आना था मम्मी कह रही थी आज मेरी इनसे कह रही थी कि महेंद्र जी आज बारात लेके आए थे घर पे मैं बोली मैंने की हाँ मैंने याद दिला दो इन्हें मिठाई मांग रहे थे घर पे मिठाई खिलाओ तो मैंने कहा तुम्हें दुकान बैठा दूंगी हलवाई की पे वहां जाके हलवाई की दुकान में जितना हो खा लेना तो ये कह रहे मेरी मम्मी से कि चूहा बन जा और दुकान में रहना चूहा बन के और सारी मिठाई खाते रहना मम्मी से कह रहे मिठाई कह रही ना मम्मी हमारी से चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में चाय के साथ
सुबह मॉर्निंग में चाय के साथ में। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। मैरिज एनिवर्सरी टू मी। ये देखिए छोले भटूरे में बना के लेके आ गई हूँ, और आप भी एक खा लीजिए गरम गरम, बहुत टेस्टी बने हैं, खा के देखिए एक बार आके।